वहीं लखनऊ में कांग्रेस दफ्तर के बाहर जमकर लाठी डंडे चले। कांग्रेस और बुंदेलखंड विकास सेना के कार्यकर्ताओं ने हिंसक झड़प हुई। इस मामले में चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया है, जबकि लखनऊ डीएम से मामले पर रिपोर्ट मांगी गई है। इतना ही नहीं, बुंदेलखंड विकास सेना के प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह राजपूत समेत 17 लोग गिरफ्तार भी हुए हैं। हंगामा, मारपीट और लाठियों का एक कोहरा लखनऊ में कांग्रेस ऑफिस में मचा है। क्या पैर क्या सिर, जिसको जहां मौका मिला उसने यहां डंडे की बरसात कर दी। किसी के सिर से खून निकल गया तो किसी के पैर टूट गए। मरने मारने पर उतारू ये लोग कांग्रेस और बुंदेलखंड विकास सेना के कार्यकर्ता हैं। दिन में तकरीबन 2:30 बजे बुंदेलखंड विकास सेना के 100 कार्यकर्ता हाथ में लाठी लेकर लखनऊ के कांग्रेस दफ्तर में घुसे। कार्यकर्ताओं ने बुंदेलखंड को विशेष पैकेज के लिए नारे लगाए और इसके बाद तोड़फोड़ और मारपीट शुरू हो गई। मैं आया था कांग्रेस ऑफिस, यहाँ भीड़ देख के गाड़ी मैंने बाहर खड़ी की। वो कुछ दंगाई भागते हुए आए, सदा जी कांग्रेसी हैं, इनको मारो। वो मुझे डंडे से मारा। लखनऊ से कांग्रेस उम्मीदवार रीता बहुगुणा जोशी ने ऐलान कर दिया कि अगर दोषियों को जल्दी नहीं पकड़ा गया तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इस तरह से यहाँ रकझकता हुई है, ये बहुत ही गंभीर है। दर्जनों लोग चोट खाए हैं, पूरा तहस नहस दफ्तर कर दिया गया, दर्जनों कारियां तोड़ दी गयी। ये गंभीर विषय है, महिलाओं की सदा बद्धता हुई है, कर्मचारी मारे गए हैं, ये कोई मामूली घटना नहीं है।